उद्यमेनेव हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगाः। अर्थात प्रयत्न करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सर्वप्रथम हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका नववर्ष मंगलमय तथा शुभ फलदायक सिद्ध हो। नया वर्ष आने वाला है। आप सभी सोच रहे होंगे कि देखते हैं यह वर्ष मेरे लिए कैसा होता है, इस वर्ष मैं यह कार्य करूंगा या मेरा यह कार्य हो जाता तो अच्छा होता इत्यादि। हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि नव वर्ष 2018 किस कार्य के लिए अच्छा रहेगा या किस कारण से अच्छा नहीं रहेगा, या यह कार्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम हमारे ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर आपके अंतर मन में उठने वाले समस्त प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएं। स्वास्थ्य। वर्ष 2018 में आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा तथा किसी प्रकार की कोई भी गंभीर बीमारी होने की संभावना नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई असावधानी करें। शारीरिक कष्ट रह सकता है, सर्दी खांसी तथा जोड़ों के दर्द से कुछ परेशानियां आ सकती है। सितंबर के मास तक पुराने दर्द पुनः प्रारंभ हो सकते हैं, किंतु अधिक चिंता की बात नहीं है। मन से स्वस्थ रहने की कोशिश करें। यदि पहले से कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो आगे भी नहीं होगी। दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। अप्रैल के मध्य से लेकर सितंबर तक की अवधि में काम की व्यस्तता के कारण नींद में कमी रहेगी तथा उदर विकार होने की संभावना अधिक है। अतः समय पर भोजन ग्रहण करें तथा उचित समय अनुसार आराम अवश्य करें। कभी कभी थकावट का अनुभव हो सकता है, किंतु कुल मिलाकर कोई उल्लेखनीय परेशानी नहीं होगी। मई से नवंबर के समय वाहन आदि सावधानी से चलाएं। यदि शनि का प्रकोप चल रहा है तो मांस मदिरा के सेवन से बचें, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव स्वास्थ्य पर होगा। घर से बाहर का खाना तथा मिर्च मसाला युक्त पदार्थ के सेवन से बचें। पानी, दूध तथा जूस का सेवन करते समय शुद्धता का ध्यान रखें। दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नियमित रूप से व्यायाम करें तथा योग अवश्य करें। आर्थिक स्थिति। धन संपत्ति के प्रति यह वर्ष आपके लिए मिले जुले परिणाम प्रदान करने वाला है। किसी विशेष कार्य अथवा व्यवसाय वृद्धि के लिए निवेश आंख मूंद कर ना करें। आर्थिक कंगाली के कारण पारिवारिक जीवन में परेशानियां हो सकती हैं, अतः अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें, तभी आप धन बचाने में सफल हो पाएंगे। अक्टूबर से आर्थिक स्थिति के प्रति तेजी से सुधार होगा। यदि आप वास्तु उपाय से आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे तो आपके द्वारा बनाए गए विभिन्न स्रोतों से धन का आगमन अवश्य होगा। यदि आप कोई मकान लेना चाह रहे हैं तो आपकी यह इच्छा की पूर्ति इसी वर्ष हो जाएगी तथा आप अपने पुराने मकान की साज सज्जा में धन खर्च कर सकते हैं। शेयर बाजार में धन निवेश ना करने की परामर्श दी जाती है, किंतु यदि आप अच्छे से सोच विचार करने के पश्चात निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा, किंतु ऐसा निरंतर ना होकर कभी कभी ही होगा। व्यवसाय। व्यवसाय की दृष्टिकोण से यह वर्ष अनुकूल है, किंतु व्यवसाय में भागदौड़ अधिक रह सकती है। किंतु आपका नौवां भाव भाग्य भाव होने के कारण कर्म तथा भाग्य के संगम से परिणाम अत्यंत शुभ मिलने वाले हैं। अक्टूबर से पहले कोई नया कार्य भी प्रारंभ हो सकता है। यदि आपके कार्य का कोई संबंध
दूर के स्थानों या विदेश से है तो परिणाम अधिक अच्छे रहने वाले हैं। अक्टूबर से कारोबार में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इस वर्ष परिवार के वरिष्ठ परिजनों से थोड़ा मतभेद रह सकता है, अतः स्व परिजनों के साथ मिलकर कोई व्यापार ना करें। आपको जो भी मिलना है अवश्य मिलेगा, अतः अपना प्रयास निरंतर बनाए रखें। पारिवारिक जीवन। वर्ष 2018 की शुरुआत से राहु सातवें स्थान पर भ्रमण कर रहा है, अतः वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना होगा। वर्ष के शुरुआत में कुछ मतभेद हो सकते हैं, किंतु आप अपनी समझदारी से इन्हें रोक भी सकते हैं। अतः छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें तथा एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें तथा तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोच लें। जीवन साथी पर संदेह करने से बचें। एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखें। अप्रैल तथा मई की अवधि के बीच आप सकारात्मक महसूस करेंगे तथा देखेंगे कि सभी बातें आपके अनुरूप चल रही है। जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा तथा आप दोनों के रिश्तों में मधुरता आएगी। वर्ष के अंत में परिजनों के साथ समय बिताने का अधिक अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष कठिन सालों में से एक रहने वाला है। यदि आपका प्रेम पवित्र है तथा आप अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं तो कुछ समय प्रतीक्षा करें। यह समय प्रेम विवाह के लिए अनुकूल नहीं है। इस समय माता पिता इस विवाह के लिए सहमत नहीं होंगे, किंतु कुछ समय पश्चात ही सब कुछ अपने आप ही सही भी हो जाएगा। बस थोड़ी सतर्कता आवश्यक है। वे लोग जो कुंवारे हैं तथा शादी करना चाहते हैं तो उनकी यह इच्छा इस वर्ष पूर्ण होगी। बच्चों की शरारतें इस वर्ष आपको व्याकुल कर सकती हैं। इस समय बच्चे चिड़चिड़े भी हो सकते हैं, अतः उनका पूरा ख्याल रखें। बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी। माता पिता के साथ संबंध मधुर बना रहेगा, किंतु कभी कभी वैचारिक भिन्नता के कारण अनबन हो सकती है। माता पिता की सेहत की बात करें तो माताजी की सेहत अच्छी रहने वाली है, किंतु पिताजी की सेहत का जनवरी के मध्य तथा मई से लेकर नवंबर तक आपको विशेष ध्यान रखना होगा। भाइयों के साथ रिश्ते बनाकर रखने में बुद्धिमानी है। भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा तथा उनके साथ रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, किंतु नए रिश्तों पर शीघ्र विश्वास करने से बचें। अक्टूबर से दिसंबर तक की अवधि में घर पर पूजा पाठ का आयोजन होगा। यदि संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। रोजगार। यदि आप नई नौकरी खोज रहे हैं तो आपके लिए यह वर्ष अत्यंत शुभ रहेगा। इस वर्ष आपको अचानक शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण है कि बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है। आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो भविष्य फल के अनुसार कार्यस्थल पर यह वर्ष आपके लिए अच्छा है। सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सफलता पाना इतना आसान नहीं होता। कार्यस्थल पर आपको प्रधान तथा वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही काम के लिए आपकी प्रशंसा भी होगी। जनवरी से मार्च की अवधि में आपकी अच्छे पद पर पदोन्नति भी होगी तथा आवक में वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर इसी अवधि में विवादों से आपका नाम जुड़ सकता है तथा आप किसी षड्यंत्र का शिकार भी हो सकते हैं। अतः आपको कार्यस्थल पर इस दौरान अत्यंत ही सावधान रहना होगा तथा सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। शिक्षा। छात्रों के लिए यह वर्ष अच्छा भी है तथा महत्वपूर्ण भी है। इस वर्ष विद्यार्थियों को कई श्रेष्ठ अवसर भी प्राप्त होंगे। अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि आपके पहले भाव पर है, जो आपके मस्तिष्क को जागृत अवस्था में रखेगी तथा आप सभी विवादों को पार करते हुए अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। परीक्षा के परिणाम आपके पक्ष में होंगे। यदि आप लगन से पढ़ाई करते हैं तो आपको परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे, किंतु अक्टूबर के पश्चात का समय थोड़ा सा कमजोर रह सकता है।
अतः उस समय विशेष कर मन को एकाग्र रखें। ऐसा करके आप अपने अध्ययन से मिलने वाले परिणामों को अधिक श्रेष्ठ कर सकते हैं। आपके शिक्षक आपके मेहनत की प्रशंसा करेंगे, जिससे आपके मनोबल में वृद्धि होगी। यदि आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय: प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को राम भक्त हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। पुजारी तथा ब्राह्मणों को पीले वस्त्र का दान करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को शनि देव के मंदिर के दर्शन करें। अपनी धर्म पत्नी को सम्मान दें, आपकी समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक चौथे महीने योग्य ब्राह्मण द्वारा रुद्राभिषेक कराएं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से नौकरी तथा व्यापार में वृद्धि होगी। यदि शनि की अंतर्दशा चल रही है तो मांस मदिरा के सेवन करने से बचें। नियमित रूप से शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में जल देना शुभ रहेगा। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप WhatsApp या Facebook जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।